energy is a vital resource for life. As the society progresses, energy requirements are increasing. Energy is needed for all human enterprises. In the remote rural areas of Madhya Pradesh, mostly conventional sources of energy are being used for years, but are no longer meeting the increasing requirement. Depending on forest fuel wood for cooking, loss of environment and increase in pollution are common problems. पहले साहब हम ही बहुत परेशानी रहिस, हम ही लकड़ी ले जाना पड़त रहिस वहाँ डोंगरी पहाड़ में, वहाँ से अपन लाते थे, लाके चूल्हा से जलाउत रहन साहब घर में, जैसे हमरे 10 परिवार मतलब खाए के खाना बनावे के है, तो अब अपन को सारा एक बोझा लकड़ी एक टाइम में जलाना पड़ता रहा. Collection of fuel wood is a time-consuming job and does not allow devoting time to other productive pursuits. During rains, situation worsens. Fuel wood emanates irritable smoke. चूल्हा नहीं जले दो हुए आँखें कुछ जेम आ रही आँखें में आदो आँखों वहाँ सुकड़े आँखें मसड़ बकरों पूंछ बकरों जो लकड़ी अगर बरसात में गीली है तो नहीं देर तक तो उसका पानी सूखता था फिर वो जलती थी करीब 2-3 घंटे लग जाएं. In many villages, this problem has been addressed. The biogas plants being used by villagers narrate the story of change. पहले क्या हम बहुत परेशान होते हैं पापा बोलता है बेटा चाय बना लो तो हम गुस्से में हो जाते हैं बोलते हैं ओ पापा कितनी देर में चूल्हा जलेगा फिर मैं चाय बनाऊंगी कितना टाइम बर्बाद होएगा तो हम नाराज़ हो जाते हैं अभी बोलते हैं पापा के बेटा चाय बना दो तो हम फटाक से चाय बना देते हैं रात को बोलता रात को दिन को बोलते दिन को तो हम परेशान बिल्कुल नहीं होते हैं तो सब परिवार खुश है अभी भी खाना बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है कि कौन सी भी टाइम मेहमान आ जाए तो चाय में खाने में कोई परेशानी नहीं है हमें बहुत खुश हैं. They are indicative of happiness and improved environment. The use of biogas for cooking in 9 project districts has brought about a positive change in the life of village people. गोबर गैस होया जब से इनकी परेशानी सब हट गई है जल्दी खाना बन जाए चाय जैसे कोई मेहमान आया तो बस लगाई सीख और जल्दी बन जाता है. Cooking time has been drastically reduced to a few minutes. Harassment of using traditional chulha has come to an end. Struggling with dangerous smoke is a thing of the past. आँख में धुओं नहीं आवे और बर्तन भी नहीं जले और खाना भी सही टाइम में बन जाते. The expenditure on purchasing of fuel wood, which averaged rupees 1,000 per family per month, has come down. बहुत महंगी पड़ती थी सर लकड़ी खरीदने में फिर लाने में भी पड़ती थी गैस हो गया है तो इससे मतलब खाना जल्दी बन जाता है. The time consumed in collection of fuel wood is being devoted to farm activities. जब से हमारे यहाँ मतलब ये गोबर गैस बने हैं साहब तब से माने हम ही इतना अच्छा समय से खाना बना ले थे हम और बाद में अपन थोड़ा बहुत खाना बनाए के बाद जो सारा बाहर का काम रहा थे वह के कर ले थे तो हम ही बहुत ज्यादा लाभ है साहब ये गोबर गैस में. Erosion of forest resource has stopped. These villages marked by greenery are witnessing a change. The change due to biogas has not been limited to kitchens only. It has become a symbol of social change and perception. पहले बहुत परेशानी थी अब गोबर गैस लगने से हमारे बहुत फायदा हो गया जंगल से लकड़ी लानी न पड़े छाना थापना न पड़े ये सब परेशानी दूर होगी और लोग बाग हमारे रिश्तेदारी करने से भी कुछ नज़दीक आ गए हमारे बच्चा बच्ची की शादी होने में सगाई होने में कोई परेशानी नहीं है और हम गोबर गैस लगने से हमारे बहुत फायदा हो गया रोटी बनाने में सहूलत रहेगी चाय बनाने में सहूलत रहेगी दूध तपाने में सब बात करने में अब फायदा है कोई परेशानी नहीं हमको. This gigantic change among the villagers has been inspired by a small initiative. Cattle resource available with every house in villages proved useful. Villagers were informed about the benefits of using biogas for cooking and a series of biogas plants were installed. जब गोबर गैस नहीं था तो ऐसे चूल्हे में खाना बनाते थे
और जब से गोबर गैस लगा है तो अपन उसमें दो तगाड़ी गोबर घोल के डालते हैं, तो उससे खाना भी बन जाता है 5-6 लोगों का आराम से, और उसका जो गोबर निकलता है वो खेत में भी डाल देते हैं तो फ़ायदा होता है, खाद के काम में आता है उसका गोबर, और अगर बल्ब जलाना चाहें तो एक बल्ब भी जल जाता है उसमें। The project districts have 6,066 biogas plants. Villagers are enthusiastic about them. बहुत लोग आते हैं देखने, और देखते भी हैं तो कहते हैं कि अच्छा है ये, हमें भी गोबर गैस बनवाना है। आखिर गोबर कंडा फेंकते हैं, जलाते हैं, उसी से अगर अपन बना लेंगे ये अच्छा भी है, और बोलते हैं इतना जल्दी खाना भी बन जाता है और फ़ायदा भी, तो लोग भी बोले कि हम भी जाएंगे अपने गाँव में तो प्रस्ताव डलवा के गोबर गैस करेंगे, हम लोग भी बन पाएंगे अपने घर में। The primary beneficiaries of biogas plants are women who were facing difficulties in cooking, especially in rainy season. Cooking consumed at least 3 to 4 hours. The aim of biogas installation is to provide biofuel for cooking and also biomanure. Secondly, it intends to reduce biological pressure on forest resource. Another objective is to maintain cleanliness in villages by awakening them about importance of sanitation facility. The slurry emitted from the biogas plants has proved a boon to improve soil fertility and has served as organic manure in a big way. गोबर गैस वाली खाद में क्या सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारा जितना भी वो जिसमें खरपतवार भी जितना रहता है उससे कुछ भी नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे हमने ये सैलरी डलवाई इसका बायोगैस से, तो इसका जो है वो फल बहुत अच्छा आता है, और टमाटर में भी देखिए, टमाटर में भी डला, शिमला मिर्च में भी है, तो शिमला मिर्च के भी जो उसके कलर हैं बहुत गहरे अच्छे आ रहे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, और वो मार्केट में उसकी बिक्री जल्दी हो जाती है। बायोगैस इज 2 times बेटर देन फ्यूल वुड, and biogas stove is 5 times better than conventional stove. The efficacy of stoves is hardly affected in any weather. The Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project has provided other non-conventional energy resources to villagers apart from biogas plants. Smokeless chulha is one of them. This is more useful than the conventional chulha. Villagers are using them. These do not allow smoke to spread and environment remains clean. Conventional chulhas are phasing out as smokeless chulhas are being increasingly used. पहले तो सर बहुत आँख में धुआं लगते हैं और यहाँ दीवार में गर्दा बैठ जाते हैं, काला हो जाते हैं, और अब ये चिमनी बनवा देते हैं तो हमको रंधने की सुविधा है और पकने की सुविधा, जल्दी पक जाते हैं खाना और धुआं निकल जाते हैं ऊपर से। कुकिंग इज ईजी ऑन स्मोकलेस चूल्हास। कुकिंग टाइम्स ऑन ट्रेडिशनल चूल्हास वाज 1 to 2 hours, नाउ इट टेक्स लेस देन 1 hour. वुमेन यूटिलाइज देयर सेव्ड टाइम इन अदर हाउसहोल्ड वर्क्स। So far, 2,16,000 families are using smokeless chulhas. Similarly, poor families have been provided with environment-friendly cooking stoves also. Lesser use of fuel wood and faster cooking are its salient features. पहले मिट्टी का चूल्हा अपन घर में जैसे बना के बनाते थे, तो उसमें लकड़ी ज़्यादा लगता था और धुआं भी ज़्यादा होता था, और खाना लेट में पकता था। ये चूल्हा जब से आया है तो लकड़ी कम लगता है और धुआं भी कम लगता है और जल्दी बन जाता है खाना। These stoves have been provided in 50 villages. The families are using these stoves. These chulhas have been provided to schools also so that women engaged in cooking midday meals do not face difficulties. Cooking for children was a tough job for women. It has now become easy for them. It takes less than 2 hours to cook meals for 200 to 250 children. Fuel wood is saved and health loss is prevented. पहले जाऊन है तो सबसे ज़्यादा लकड़ी लगत रहा 30 किलो लगत रहा, अब है तो 15 किलो से 2-4 और बच जात है लकड़ी, और बर्तन भी नहीं जले, और टाइम से खाना भी बन जाता है, अच्छा से बढ़िया धुआं नहीं लगे, पहले बहुत धुआं लगता रहा चूल्हा से, और यह इको चूल्हा आ गया है तब से धुआं नहीं लगे। The demand for non-conventional chulhas is increasing as its benefits are well known across the villages.
Once dependent on lantern and earthen lamps, the villagers in remote areas are now equipped with alternative energy resources. Solar lanterns are illuminating the village life. Cleanliness is visible. Children now have time for studies at night too. पहले जो हम लालटेन जलाते थे मिट्टी तेल वाले उसमें हमको परेशानी थी एक तो रोशनी साफ नहीं दिखाई देती मिट्टी तेल भी नहीं मिलती अब हमको ये सौर ऊर्जा वाले लालटेन मिले हैं वो हमको बहुत अच्छी सुविधा मिल गया हमको उससे अच्छी लाभ है बच्चों को पढ़ाई के लिए भी अच्छी है खाना बनाने के लिए भी अच्छी सुविधा है और प्रकाश भी अच्छी तरह से दिख रही There are more savings as there are no expenses on kerosene oil. बाजार में जाते थे तो मट्टी तेल की लाइन लगते थे उसमें भी इतना भीड़ के चलते कभी आधा लीटर मिलता कभी एक लीटर अगर नहीं मिला तो हम अपने घर में अंधेला में ही रहते थे लेकिन ये सौर ऊर्जा लालटेन आई है तब से हमको बड़ा सुविधा मिला है कि रोशनी से हम लोग रह रहे हैं Villagers visit recharge center every morning and take back the recharged lantern. Women have formed a committee for maintenance of lanterns. This committee ensures that if a lantern is not working, it is repaired on time. एक महीने में 60 रुपया लगा था सर 2 रुपये रोज और घर में लड़के बच्चन की बड़ी सुविधा है कोई चीज की परेशानी नहीं आई खानों बनाओ तो मैं बढ़िया इंजोल आ रहा थे धुआं नहीं निकले बढ़िया इंजोल में अपन चावल वगैरह बर्तन खोज लेते हैं सर अब मालूम महीना में 2 लीटर 3 लीटर जलत रही से तो पैसा हमारा पूरा बच रहा है These arrangements and systems have inspired the villagers to be self-reliant. They are learning management skills. इस लालटेन से हमें ये फायदा है सर पहले जो अपन लोग लालटेन जलाते थे मिट्टी तेल वाला तो उससे 4 गुना ये अच्छा है और जैसे हमें शादी करना पड़ता था तो जनरेटर लाना पड़ता था सर वो 700 800 900 1000 रुपये देते थे उससे अब इसे हमें अगर 4 लालटेन अगर ये हो जाए सौर ऊर्जा वाला तो हमारा शादी निपट जाता है द फैमिली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सेंट्रल रिचार्जिंग सेंटर इज गिवन मंथली रेम्यूनरेशन दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हितग्राही हैं तो सुबह लालटेन लेके आते हैं और शाम को लेके जाते हैं जब चार्ज होता है तो शाम को ले जाते हैं और हमें इसका चार्जिंग का 2 रुपये मिलता है 1 रुपये मेंटेनेंस के लिए 1 रुपये हमें और ये जो बिगड़ेगा तो इसे हम PFT को सूचना देंगे Thus, the village life is changing fast and this is amply demonstrated on their smiling faces. Many villages now have solar energy operated home light systems. As many as 152 villages populated by Saharia tribe have solar energy operated light systems. हमारे लिए लाइट लगने से बहुत फायदा हुआ क्योंकि हम पहले ऐसे रहते थे कि ताकि हमारे गांव यहां पर बसा हुआ नहीं था ऐसा लगता था रात के समय में और जब हमारे लिए शासन ने हम भी न सोचते थे कि हमारे गांव में लाइट आएगी या नहीं आएगी पर हमारे पहले के आदरिक बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि हमारे गांव में लाइट आएगी लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई थी और जब लाइट आई थी तो आजीविका परियोजना लाई थी तो जब से हमारे लिए लाइट आने से बहुत फायदा हुआ क्योंकि हमारे बच्चे रात में पढ़ लिखते भी हैं और बैठते भी हैं उजाले में घूमते भी हैं दीज इल्यूमिनेटेड विलेजेस नरेट द स्टोरी ऑफ अ पॉजिटिव चेंज वो बढ़िया गांव में साफ सफाई है इंजारो बढ़िया दे है खूब सिटी सी लगता है रात की समय पे कोई बार के आदमी देख है तो नो जाना ये कोई सिटी है सोशल लाइफ हैज बीन एनलाइवेंड हियर अ फेस्टिव एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स एज सोशल फंक्शंस एंड सेरेमनीज आर ऑर्गेनाइज्ड इवन एट नाइट पहले तो हम अंधेरे में रहते थे तो हम जैसे सूर्य खत्म होने के बाद मतलब जैसे बस्ती नहीं लगती जैसे यहाँ बस्ती बसी हुई है कि नहीं है और अब सरकार से जो हमें लाइट की सुविधा मिली है तो रात के समय ऐसा लगता है कि कोई मेला लग रहा है तो बहुत अच्छा टॉप लगता है और जो भी हमें जो सुविधा
जैसे मोबाइल चल रहे साहब, अब तो पहले बड़े आदमी पे थे, अब हम गरीबों पे भी मोबाइल, तो इसकी सुविधा टीवी ये सब चल रही है, इससे बहुत सुविधा हुई है हमको। Undoubtedly, the villagers have got energy to lead a better quality life. पहले चुमनी आती जी, चुमनी में हम सो जाता जल्दी, और अब तो लाइट आ गई जी, खूब हम घूम फिर लेवा और खूब टीवी सीडी देख लेवा और हमारा बहन भाई को पढ़ लिख लेवा। The development initiatives accomplished by the Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project will be carried forward by the National Rural Livelihoods Mission, and the families will continue to tread the path of prosperity.